श्रृंगार लीला। श्री प्रिया प्रेतम श्री विशाखा की कुंज में कदंब की छाया में विराजमान है। कदंब के चारों ओर फूल खिले हुए हैं, उन पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। कदंब के नीचे आल बाल गट्टा बना हुआ है जो भूमि से लगभग 1.5 हाथ ऊंचा है। आल बाल के चारों ओर की भूमि पर 8-8 हाथ तक संगमरमर लगा हुआ है। इसके बाद बेला पुष्प के पौधों की गोलाकार क्यारी लगी हुई है। बेले के बाद दूसरी गोलाकार क्यारी मल्लिका के फूलों की है। इसके बाद भूमि पर हरी हरी धूप लगी हुई है। स्थान स्थान पर स्थल कमल एवं अत्यंत सुगंधित फूलों की छोटी छोटी झाड़ियां भी लगी हुई हैं। श्री प्रिया प्रियतम दक्षिण की ओर मुख किए बैठे हैं। दोनों की पीठ गट्टे के सहारे टिकी हुई है। श्री श्याम सुंदर के बाईं ओर श्री प्रिया जी बैठी हैं। दोनों के आगे बांस की बनी हुई डलिया में बेला एवं चमेली के फूल रखे हुए हैं। बांस की डलिया केले के हरे एवं पीले पत्तों से जड़ दी गई है तथा उस पर पानी की कुछ बूंदें झलक रही हैं। Watch what drinking olive oil does to your belly. Could taking a shot every day help you lose weight? श्री प्रिया प्रीतम एक धागे में फूलों को पिरो पिरो कर गजरा बना रहे हैं। धागे के एक छोर को पकड़कर श्री प्रिया फूल पिरो रही हैं तथा दूसरे छोर को पकड़े हुए श्याम सुंदर फूल पिरो रहे हैं। फूल तोड़ती हुई कुछ सखियां पास में ही बेले एवं चमेली की क्यारियों में खड़ी हैं। वे सब फूल तोड़ तोड़ कर अपने अपने अंचलों में रखती जाती हैं। जब कुछ इकट्ठे हो जाते हैं तो वे उन्हें लाकर श्याम सुंदर के आगे रखी हुई डलिया में उड़ेल देती हैं। यद्यपि अत्यंत शीतल मंद सुगंधित पवन चल रहा है, फिर भी विमला मंदिरी खस के बने हुए एक पंखे को धीरे धीरे झल रही है। विमला मंदिरी उत्तर की ओर मुख किए खड़ी है। श्री प्रिया प्रीतम के मुखारविंद पर रह रहकर अत्यंत मधुर मुस्कान झलक जाती है, पर दोनों ही उसे रोकने की चेष्टा करते हैं। ऐसा भाव व्यक्त करते हैं मानो दोनों ही सर्वथा एकांत मन से फूलों को पिरो रहे हैं। श्री प्रिया कनखी से श्याम सुंदर को देखती हैं तथा श्याम सुंदर श्री प्रिया जी को। इस चेष्टा में जब दोनों की आंखें मिल जाती हैं तो प्रिया लज्जित होकर कभी ललिता कभी विशाखा नाम लेकर पुकार उठती हैं और कहती हैं, ललिते देख जल्दी और फूल ला, अब डलिया के फूल समाप्त हो चले हैं। श्याम सुंदर भी श्री प्रिया की बातों को विनोद में लेते हुए कहते हैं, हाँ हाँ अब फूल बहुत कम रह गए हैं, शीघ्र ला। गजरे के दोनों छोरों को बार बार इकट्ठा करके श्री प्रिया एवं श्याम सुंदर देखते हैं कि गांठ देने जितनी माला पिरोई जा चुकी है कि नहीं। ऐसा करते समय श्री प्रिया एवं श्याम सुंदर दोनों की अंगुलियां छू जाने के कारण दोनों में ही प्रेम उफनने लगता है, जिससे दोनों के ही शरीर कांप जाते हैं तथा कभी दोनों के मुखारविंद प्रश्वेत कड़ों से भर जाते हैं। क्रमशः गजरा तैयार हो जाता है। श्री प्रिया गांठ देने के लिए गजरे के दूसरे छोर को पकड़ लेती हैं। गांठ देने का कार्य हो चुकने के बाद श्याम सुंदर पिरोने के लिए फूलों को डलिया में से छांट छांट कर अलग अपने पीताम्बर के एक किनारे पर रख रहे हैं। अब श्याम सुंदर उस सुंदर गजरे को अपने हाथ में लेकर उस गजरे में लटकने वाले गुच्छे का निर्माण करने के लिए फूल पिरोने लगते हैं। कदम के पुष्पों की मीठी मीठी सुगंध आ रही है। श्याम सुंदर की वनमाला से निकली हुई सुगंध के कारण भौरों का एक दल बार बार मंडरा कर आता है। वह चाहता है कि वनमाला पर बैठ जाए, पर प्रिया अपने हाथ से रुमाल उठाकर उन्हें उड़ा देती है। श्याम सुंदर फूल पिरो रहे हैं। श्री प्रिया छुन छुन कर उनके हाथों में फूल देती चली जा रही है। जब गजरा बन जाता है तो श्याम सुंदर उसे अपने हाथों में लेकर प्रिया को पहनाने के लिए खड़े हो जाते हैं, पर प्रिया गजरे को पकड़ लेती है तथा कहती है, नहीं इसे मैं तुम्हें पहनाऊंगी। श्याम सुंदर कहते हैं, नहीं इसे मैं तुम्हें पहनाऊंगा, प्रतिदिन मेरा श्रृंगार तू पहले करती है, आज मैं तुम्हारा करूंगा। सखियों के सामने श्याम सुंदर के द्वारा श्रृंगार कराने में श्री प्रिया लज्जा का अनुभव करती है, अतः वे कहती है, नहीं। श्री ललिता आती हैं तथा दाहिने हाथ से श्री राधा रानी के बाएं कंधे को पकड़कर कहती है, देखो मैं निर्णय कर देती हूँ, पर इसमें फिर किसी को आनाकानी नहीं करनी पड़ेगी। श्री राधा, क्या निर्णय बताओ। श्री ललिता, पहले यह बता तू मान लेगी या नहीं। श्री राधा, ऐसे कैसे हामी भर लूं, तू पहले निर्णय का रूप बता दे फिर हाँ या ना कहूंगी।
श्याम सुंदर ने बीच में ही रोककर कहा, मैं तो मान लूंगा। श्याम सुंदर के इस प्रकार कहते ही सबको आश्चर्य हुआ कि आज श्याम सुंदर बिना किसी आनाकानी के ललिता का बताया हुआ निर्णय कैसे मान रहे हैं, क्या बात है। अब सभी सखियां राधा रानी पर भी दबाव डालने लगती हैं कि तू भी मान ले। सखियों के कहने पर राधा रानी भी हामी भर देती हैं कि मैं भी मान लूंगी। ललिता बेले के बड़े बड़े फूल उठा लेती हैं तथा दोनों के सामने फूल की एक पंखुड़ी पर राधा तथा दूसरे फूल की एक पंखुड़ी पर श्याम का चिन्ह बना करके दोनों फूलों को हाथ की अंजलि में रखकर कहती हैं, तुम दोनों आंखें मूंद लो, मैं इन्हें उलट कर रख देती हूँ। फिर राधा एक फूल उठा ले, जिसका नाम उसमें रहेगा उसी को आज गजरा पहनाने तथा श्रृंगार करने का अधिकार समझा जाएगा। श्री प्रिया प्रीतम आंखें मूंद लेते हैं। ललिता दोनों फूलों को उलट कर रख देती है तथा कहती है, आंखें खोलो। राधा रानी आंखें खोलकर बड़े विचार में पड़ जाती हैं तथा सोचने लगती हैं कि कौन सा उठाऊं। सोचते सोचते वे एक फूल उठा लेती हैं। संयोगवश वे उसी को उठाती है जिस पर श्याम नाम लिखा था। श्री कृष्ण उनके उठाते ही दूसरा फूल उठा लेते हैं तथा देखते हैं कि किसका नाम प्रिया राधा ने उठाया है। देखते ही वे आनंद में भरकर गजरा श्री प्रिया के गले में डाल देते हैं तथा सखियां आनंद में निमग्न होकर ताली बजाने लगती हैं। अब फूलों का श्रृंगार प्रारंभ होता है। श्री प्रिया के लिए श्याम सुंदर भांति भांति के फूलों के गहनों का निर्माण करते हैं तथा उनसे श्री प्रिया को सजाते हैं। सखियां भी विभिन्न प्रकार के फूलों को ला लाकर डलिया में उड़ेलती जा रही हैं। अंत में श्याम सुंदर फूलों की अत्यंत सुंदर चंद्रिका बनाते हैं। उसे प्रिया के सिर पर बांधने के लिए वे प्रिया से पहले वाली रत्नमणि मोती जटित चंद्रिका को उतारने के लिए कहते हैं। श्री प्रिया का संकेत पाकर विशाखा धीरे से अंचल हटाकर और बंधन खोलकर उसे उतार लेती है। श्याम सुंदर प्रिया के मस्तक पर पुष्पों की चंद्रिका बांधते हैं। बांधते समय प्रेमावेश के कारण श्याम सुंदर का हाथ कांपने लगता है तथा बहुत चेष्टा करने पर भी हाथ स्थिर नहीं रह पाता। श्री प्रिया मुस्कुराकर कहती हैं, खेल मत करो, शीघ्र बांधो। श्याम सुंदर उसे नहीं बांध पाते। श्याम सुंदर की यह प्रेमावस्था देखकर श्री प्रिया में भी प्रेम का संचार होने लगता है। उनका शरीर भी कुछ कांपने सा लगता है। श्याम सुंदर अपने को कुछ संभाल कर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं क्या करूं, तू सिर हिला दे रही है, इसी से मैं नहीं बांध पा रहा हूं। श्री प्रिया मुस्कुराती हुई चंद्रिका को अपने हाथों से पकड़ लेती हैं तथा कहती हैं, लो देखो, मैं स्वयं बांध लेती हूँ। श्याम सुंदर का हाथ कांप रहा था, इसलिए वे चंद्रिका को श्री प्रिया के हाथ में दे देते हैं। श्री प्रिया जी चंद्रिका बांधने लगती हैं। श्याम सुंदर सामने पड़े हुए दर्पण को उठाकर श्री प्रिया के मुख के सामने करते हैं, फिर भी हाथ रह रहकर कांप जाता है, जिससे दर्पण हिल जाता है। इधर श्री प्रिया दर्पण में अपना मुख देखना चाहती हैं तथा चाहती हैं कि उसमें देखकर चंद्रिका ठीक से बांध लूं, पर दर्पण में उन्हें अपना मुख नहीं दिखता। अपने मस्तक के स्थान में उन्हें दर्पण में श्याम सुंदर का ही सुंदर मुख दिखता है। अतः बड़ी कठिनता से वे चंद्रिका को अपने सिर पर बांध पाती हैं। चंद्रिका बांधते ही वे प्रेम से मूर्छित होकर श्याम सुंदर की गोद में गिर पड़ती हैं। श्याम सुंदर उन्हें अपनी गोद में ले जाकर अपने बाएं हाथ से खस के पंखे को पकड़कर झलने लगते हैं तथा दाहिने हाथ से श्री प्रिया जी के शरीर को धीरे धीरे सहलाते हैं। मधुमती मंजरी वीड़ा के तारों को शीघ्रता से ठीक करके सुर मिलाकर अत्यंत मधुर मधुर स्वर में गाने लगती हैं। Why did Amazon send me $20,000? Because I use Amazon AI. With this AI... तू है सखी बड़े भाग भरी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़े भाग भरी, नंदलाल तेरे घर आवत है। निज कर गूंथी सुमन के गजरे, हर्षी तो ही पहरावत है।
कर गूंथी सुमन के गजरे हर से तो ही कहरावत है तू अपनों सिंगार करती जब दर्पण तो ही दिखावत है री तो अपनों सिंगार करती जब दर्पण तो ही दिखावत है री आनंद कंद चंद मुख तेरी निरखी निरखी सुख पावत है आनंद कंद चंद मुख तेरी निरखी निरखी सुख पावत है जाके गुण सब जगत बखानत जाके गुण सब जगत बखानत सो तेरो गुण गावत है नारायण बिन दाम आज कल तेरे ही हाथ बिकावत है नारायण बिन दाम आज कल तेरे ही हाथ बिकावत है तू है सखी बड़ भाग भरी नंदलाल तेरे घर आवत है। श्री प्रिया की मूर्छा टूट जाती है तथा वे अपने को श्याम सुंदर की गोद में पड़ी हुई पाती हैं। वे लज्जा का अनुभव करती हुई घबरा कर शीघ्र उठ जाती हैं और अपना अंचल संभालने लगती हैं। श्याम सुंदर हंसने लगते हैं, सखियां भी हंसने लगती हैं। अब श्याम सुंदर के श्रृंगार की बारी आती है। सभी सखियां आनंद में फूली हुई भांति भांति के आभूषण बनाती हैं तथा राधा रानी के हाथों में देती जाती हैं। श्री राधा रानी श्याम सुंदर को सजा रही हैं। जय जय श्री राधे।